के ट्रेन में जो चढ़ रहे हैं। टिकट दिखा, मैं टिकट दिखाऊं? अबे मैं टीसी होता गिल्लू, बाबूजी कपी और गदा लखनऊ गए हुए हैं। अगर वो भी यहाँ होते ना तो तुम्हारी तारीफ में फूल बांध देते मिंडू, सच्ची। अरे सुनो, तुम कपिल की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते हो? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो। अरे बोलोगे कि नहीं? बोलो ना, बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो, तुम कपिल की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते हो? मैं कोशिश करता हूँ मयूरी। दा, 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 दा। आप सब ने तो कहा आउट मेंढक आउट, तो इसलिए हम चिड़िया घर से आउट जा रहे हैं। एक मेंढू बेटा, आउट का मतलब तुम्हारी बैटिंग ना खत्म हुई। हाँ चलो, अब तुम फील्डिंग करो और ये गिल्लू बैटिंग करेगा, ठीक है? और सुनो, जैसे सांप अपने शिकार पे लपकता है ना, ऐसे लपक के बॉल पकड़ लेना है। चीटी तुम यहाँ आना। हाँ। कपिल की तरह। हाँ हाँ। हावड़ा आ गया क्या? क्या करता है गिल्लू? क्वेश्चन मार्क। बोल। ए, कौन खेल रहा है? गिल्लू। क्या कर रहा है तू? ऐसे खेलते हैं क्रिकेट? या क्रिकेट तो ऐसे ही खेलते हैं। ए गोमू कहीं के, ये गेंद लगी मुझे, सूजन आ गई है। चीची, सूजन आ गई? दिखाइए कहाँ? हाँ, वो अंदर आई है ना सूजन, नहीं दिखेगी। वाह, अंदर आई है ना सूजन, नहीं दिखेगी। डॉट 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 डॉट। भैया, ए ए, अभी लगी ना? हाँ, तो सूजन बाहर ही होती है, अंदर थोड़ी ना होती है। वो भी तुरंत, लगने के एक घंटे बाद नहीं, फुल स्टॉप। भैया इतनी से तो लगी है, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कोई नई बात नहीं है गोमू, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चोट जिंदगी के खतरे का कारण बन जाती है। तुझे पता है, हमारे एक पैसेंजर को रबर का बॉल लगा था, अभी वो अस्पताल में है, सीरियस सीरियस है वो। आपको वैसे तो नहीं लगी ना जेठ जी? हाँ लेकिन लग जाती तो। गेंद लगी ही नहीं, और आप गलत बात है भैया, बहुत गलत बात है, फुल स्टॉप। आपने झूठ बोला भैया, झूठ बोलना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। डॉट 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 डॉट। आपको पता है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे चुप कर छोटे बाबूजी। जी जी, ये तो मुहावरा हो गया ना, है ना? अरे हाँ भैया, मुहावरा। झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फुल स्टॉप। तो इस मुहावरे का क्या मतलब है, कौन बताएगा? क्वेश्चन मार्क। अरे वागिल्लू बोल बेटा। डॉट 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 डॉट। अरे डॉट 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 नहीं, इस मुहावरे का मतलब बता। चाचू, अगर हमारे पास 100 झूठ तैयार हो तो हमें एक झूठ बोलना चाहिए, राइट? हाँ। अरे क्या? हाँ, हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। क्योंकि बेटा झूठ बोलने से उस वक्त के लिए तो मुसीबत टल जाती,
लेकिन बाद में वही मुसीबत और बड़ी मुसीबत का रूप लेकर सामने आती है। डॉट 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 डॉट। गोमुख भैया, हमें झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बेटा अभी बताया ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। मेंढू, तुम ना ज्यादा सोचो मत, वरना तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाएगा और फिर फट जाएगा। अब इसको क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। कोई नया आइडिया आया होगा। मेंढक, ये प्रेशर कुकर का ढक्कन तूने सर पे क्यों रखा है? क्वेश्चन मार्क। गोमुख भैया, अभी नागिन भाभी ने कहा ना कि मेंढू तू ज्यादा मत सोच, अगर तू ज्यादा सोचेगा तो तेरा दिमाग गर्म हो जाएगा और फट जाएगा। तो हमें कोयल भाभी की बात याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई मेंढू? भाभी, कोयल भाभी ने कहा था कि ढक्कन की सीटी से कुकर की गर्मी निकल जाती है और कुकर फटता नहीं है। हाँ। तो अब हम भी ज्यादा सोच सकेंगे क्योंकि अब तो हमारा दिमाग नहीं फटेगा। सोचो सोचो, डॉट 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 डॉट। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, पूछ दो। हरिओम। खैर तो बच्चों, हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। शाबाश। चलो आज की क्लास यहीं फुल स्टॉप। अरे एक मिनट एक मिनट, सुनो, बाबूजी आए तो बाबूजी को कहना कि आपकी गैर हाजिरी में भी हमने एक नई सीख सीखी। डॉट 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 डॉट। यस सर। शाबाश। अरे मयूरी मयूरी, बस बाबूजी नहीं है इसलिए तुम पौधों में पानी दे रही हो, है ना? हाँ दीदी, मयूरी ने सोचा बाबूजी के गैर हाजिरी में मयूरी पौधों में पानी डालेगी और गार्डन का ख्याल रखेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है मयूरी। मैं तो भूल ही गई, देख मैं साफ सफाई के लिए नया लिक्विड सॉल्यूशन लाई। रोज फ्लेवर है, रोज फ्लेवर, चमक लिक्विड सॉल्यूशन, चिकनाई भगाए और बर्तनों में लाए नई सी चमक, चमक लिक्विड सॉल्यूशन। टिंग डोंग। वाह कोयल जी, ओए लगभग ते ऑलमोस्ट माइंड ब्लोइंग, कितनी अच्छी जिंगल गाई आपने। थैंक यू। मयूरी को भी इस जिंगल पर नाचने का मन कर रहा है। मयूरी ने भी टीवी पर ये एडवर्टाइजमेंट देखा है। मयूरी, अच्छा डांस था। अरे हाँ, देखने से याद आया, मेरा कल का लापता गंज का एपिसोड तो मिस हो गया और अभी मुझे वापस शीला के साथ ब्यूटी पार्लर जाना है। अब मैं रिपीट टेलीकास्ट कैसे देखूंगी? हाँ? कोई गाल नहीं पुत्र, कोई लगभग से ऑलमोस्ट सोनी वालों ने सारा बंदोबस्त करके रखा है। अच्छा? www.sonylive.com करके एक वेबसाइट बनाई है और जहाँ आप अपने सोनी के सारे फेवरेट शोज देख सकते हैं, पहले के भी और आपके भी, और जब आप चाहें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने सोनी के सारे फेवरेट शोज किसी भी डिवाइस पर देख सकते हो, और चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। और इसीलिए तो वो लोग की कहते हैं, ओ मजे के ब्रेक लो, ओ कहीं भी देख लो, आओ 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 आओ। सुपर चोपड़ा जी, क्या न्यूज सुनाई है। मयूरी को भी ये न्यूज सुनकर बहुत अच्छा लगा। मयूरी बस, पूरा घर नहा लिया मयूरी। मैं ये सॉल्यूशन जाके किचन में रखती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। बाय द वे चोपड़ा जी, sonylive.com के बारे में बताने के लिए थैंक यू। ओ जी लगभग से ऑलमोस्ट वेलकम जी, मेंशन नॉट।
तब तक मयूरी भी अपने बाकी का काम खत्म कर लेती है। आओ जी, वाइफ यू सर तो भाई। मयूरी ने मना किया था ना तुझे हिलने से? भाभी हम नहीं हिल रहे, हम क्या करें, इन कपड़ों से ना हमें गुदगुदी हो रही है, इसलिए हम हिल रहे हैं। बस अब इतने ही कपड़े बचे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मयूरी जानना चाहती है कि आप कौन हैं? अभिषेक शर्मा, सेल्समैन। मयूरी कैसे मान ले कि आप सेल्समैन हैं? मयूरी जी को हमारा आई कार्ड दिखा दीजिए। अच्छा, अब मयूरी ये जानना चाहती है कि आप क्या बेचने आए हैं? कौन है ये मयूरी जिसके इतने सारे सवाल? मयूरी नाराज हो रही है। अच्छा, उन नाराज मयूरी जी को ही भेज दीजिए, हम उनसे ही बात करेंगे। भैया कपड़ों की दुकान, पहले से एक सेल्समैन आया हुआ। हमारा नाम सेल्समैन नहीं, मेंढक प्रसाद है। और यही मयूरी भाभी है, ये बहुत अच्छा नाचती है। ओह, आप ही मयूरी जी है, माफ करना मैडम, मैं आपको पहचान नहीं सका। अच्छा, ये नाचने के अंदाज में बात करते हुए देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था आप ही हैं बनारस की मशहूर डांसिंग क्वीन मयूरी जी। थैंक यू। बहुत जल्दी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लगता है आज सब भी ठीक जाएगा। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। मयूरी कहना चाहती है कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। चलिए चल। बताइए। दरअसल हमारी कंपनी ने एक नया उपकरण निकाला है जो आपके बहुत ही काम का है, ले लीजिए ना मैडम। मयूरी आपका ये उपकरण देखना चाहेगी। ये है डांसिंग बैंड। डांसिंग बैंड? जी हाँ, ये आप अपने पैरों पर बांधो और फिर आप कोई भी धुन बजा सकते हो, क्लासिकल, वेस्टर्न, सांभा, रूम्भा, कोई भी धुन बजाइएगा। क्या कह रहे हैं आप? आपके पैर उस धुन पर अपने आप थिरकने लगते हैं, अगर आपको डांस आता है तो। अगर मेरा मतलब आप तो डांस क्वीन है, जिसको डांस नहीं आता उसके पैर धुन पर अपने आप थिरकने लगते हैं। ऑटोमेटिकली? जी हाँ, इसके साथ एक रिमोट भी दिया जाता है। रिमोट? ये, जिसे आपको इसे कंट्रोल करने में आसानी होती है और डांस करने में भी तकलीफ नहीं होगी। जी हाँ, इसे पहनकर पतला आदमी और भी पतला हो सकता है और मोटा आदमी तो पतला होगा ही होगा। चीजे डांस अनेक, वर्ल्ड फेमस डांसिंग बैंड। मैडम ले लीजिए ना। ये सब सुनने में तो मयूरी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या ये वैसे ही काम करता है जैसा आपने कहा? जी हाँ, अगर मयूरी जी कहें तो मैं मयूरी जी को इसका डेमो दिखा भी सकता हूँ। दिखाइए। रुक जाइए रुक जाइए, आप तो इसे पहनकर रोज डांस करते ही होंगे, लेकिन आज आप इसे मेंढक प्रसाद को पहना दीजिए। अगर इसे पहनकर मेंढक प्रसाद डांस कर पाएगा तो मयूरी मान जाएगी। अभी बांध देते हैं, उनको नचाते हैं। रेडी?
मयूरी के उनको पहनाएगी और उन्हें खूब नचाएगी। अच्छा लगा है तो ले लीजिए ना मयूरी मैडम। मयूरी ने ले लिया। अभिषेक शर्मा मयूरी जी से एक गिलास पानी मांगता है। माफ कर दीजिए। क्या पानी नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, मयूरी का मतलब है डांस देखने के चक्कर में मयूरी आपसे पानी पूछना भूल ही गई। भाभी बाबूजी कहते कि घर आए हुए मेहमान को पानी नहीं शरबत पिलाना चाहिए। ठीक है, शरबत लेकर आओ। ठीक है भाभी। वाह वाह, कितनी अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही है। अगर हम ये सेल्समैन वाले भैया को पिलाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन मयूरी इसके लिए आपको 500 रुपया नहीं दे सकती, बहुत ज्यादा है। तो मयूरी जी आप इस डांसिंग बैंड के कितने देंगी? 400 रुपए। मयूरी जी आप 30 रुपए ज्यादा नहीं दे सकती, 430। बस 30 रुपए ज्यादा? ठीक है, मयूरी अभी 430 रुपए लेकर आती है। ठीक है, हम मयूरी जी का आने का यहाँ वेट करते हैं। ठीक है। मयूरी मयूरी ये बोलते बोलते कहीं मैं अपने आप को ही मयूरी ना बोलने लग जाऊं। भाई साहब शरबत कैसा था? ये किसका शरबत है? ये गुलाब कंपनी का था। थोड़ा अजीब था। हाँ, हमारे चिड़िया घर का था ना, इसीलिए। हाँ, यह चिड़िया घर में सब अजीब ही तो है। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.